नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज अध्याय सातवा, श्लोक सातवा। मत्तः परधर्म नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वइदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यानी कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे सोने की ऐसे गोफ में उसमें मणि हमने पिरो दिए, तो वैसे पूरी दुनिया में हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर प्राणी मात्रा में, हर ग्रह में, हर गैलेक्सी में, हर यूनिवर्स में मैं ही भरा हूँ। ठीक है, कूट कूट के है, जैसे हम कहते हैं ना, हाईली डेंसली पैक्ड। भगवान हर जगह, यहाँ पे भगवान है, उसको उठा के मैंने निकाल लिया, फिर भी है वहाँ पे। देखिए अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं कि हे रोहिणी से जड़ तया से पहाता यही जे मूल तय रश्मि न होती केवल होए तो भानु। यानी कि जो मृगजल रहता है, जिसके पीछे मृग दौड़ते वालुकामय प्रदेश में, तो वो मृगजल जो रहता है वो सूर्य किरणों से होता है ऐसे कहते हैं, लेकिन सूर्य किरण कहाँ से आते हैं, तो सूरज से। वैसे ही मेरे से ही ये सारी चीजें निर्माण हुई, ये सारा मृगजल निर्माण हुआ है, तो मैं ही हर जगह हूं। ठीक है, तयाची परिकिरीटी या प्रकृति जालिय सृष्टि जय उपसंहुरु ने कीजे लिठी ते मीची आहे। कि इस सारे प्रकृति में, सारे सृष्टि में, आदि से अंत तक जन्म जीने का और मरण, और इसके पहले और इसके बाद, आदि से अंत तक मैं ही हूँ। ऐसे हुए दिन से न दिसे हे मजसी माझी वड़े असे मिया विश्व धरिजे जैसे सूत्रे मणि। कि जैसे सूत्र में, धागे में मणि पिरो दिए रहते हैं, वैसे सोने के धागे में अगर सोने का ही मणि है तो हर जगह सोना ही भरा है, वैसे हर जगह मैं ही भरा हूँ। ये पूरे विश्व को मैंने आधार दिया है, अंदर और बाहर। वो सोने में भी मैं हूँ, मणि में भी मैं हूँ, और मेरे अंदर भी मैं ही हूँ। वैसा हर जगह भगवान ही भरा हुआ। यहाँ पर जैसे हमने देखा, इसको निकाले फिर भी भगवान तो वहाँ पर रहते हैं, वैसा निर्गुण निराकार परमात्मा हर जगह है। वो कितना छोटा और कितना बड़ा आज तक किसी को नहीं पता चला। सुवर्णाचे मणि केले ते सोनियाचा सुती वोविले तैसे मैं जगह धरिले सभा या अभ्यंतरी। कि सोने के मणि है, सोने का सूत है यानी धागा है, वैसे मैंने पूरी दुनिया को जग जन्म और ग यानी गमन करण, ऐसे जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, वो सारी दुनिया तैयार हो रही है, जा रही है, दुनिया के पहले और दुनिया के बाद है, ये परमात्मा हर जगह है। तो वैसे ही आने के पहले और आने के ज़्यादा और बाद भी है, जाने के बाद भी है, वैसे अभी जो है, अभी भी हमारे अंदर और बाहर सबाह्य अंतरी, बाह्य और अंतरी यानी अंदर में हर किसी के, व्यक्ति के, शक्ति के, हर कण कण में भगवान अंदर से बाहर से पूरा भरा पड़ा हुआ, और वो मही है, ऐसा भगवंत कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। और ज्ञानेश्वर महाराज ने इतने अच्छे तरीके से बताया। तो ऐसे ही जिंदगी हम योगी बन के, भक्त बन के, हर कण, हर घड़ी, हर क्षण हम लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं, ऐसा कर्म ही पूजा, ऐसे 24 घंटे जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।